पंजाब की बात कर लेते हैं, कल सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे केजरीवाल, मोहाली में कल सीएम कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, कि लगातार जिसको लेकर बात चल रही थी कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का कौन चेहरा होगा, उम्मीदवार कौन होगा। अब आपने पब्लिक से मांगी थी कि उम्मीदवारों का नाम हमें भेजिए, और बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे तक राय दे सकते हैं लोग, और इसके बाद कल बताया जा रहा है कि चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। कल पंजाब का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है पंजाब में, तो वो नाम अब सामने आ जाएगा, क्योंकि इसको लेकर जबरदस्त सस्पेंस चल रहा था, कई सारे सियासी माहौल में बातचीत भी हो रही थी, लेकिन सब पर पानी फेरते हुए सबसे पहले केजरीवाल ने कह दिया कि भाई हम नाम का डिक्लेयर नहीं करेंगे, लोग बताएंगे किसका नाम हमें देना है, जिसके सबसे ज्यादा नाम आएंगे हम उसी का नाम आगे बता देंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जिन लोगों ने नाम भेजा है क्या उसमें भगवंत मान का नाम है या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है आम आदमी पार्टी का जो पिछले चुनाव से लगातार चलते आ रहा है, लेकिन कहीं पर पुख्ता होता नजर नहीं आ रहा है। पुनीत, ये एक बड़ी बात है कि अब तक इंतजार जिस बात का था कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इस सीएम उम्मीदवार कौन होगा, उसको लेकर लगता है शायद सस्पेंस खत्म हो जाए कल। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक सीएम के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया था, तो इसको लेकर एक राय मांगी गई थी पब्लिक से, जिसके लिए बकायदा एक नंबर जारी किया गया था, और ये अपील की गई थी कि राय इस नंबर पर देंगे, और आज शाम तक का वक्त है, और कल 12 बजे मोहाली में कल सीएम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली के, और उसके बाद चेहरे का ऐलान हो जाएगा, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि भगवंत मान के नाम पर मोहर जो है वो लग सकती है। चलिए, आपने तो बड़ी बात कर दी कि भगवंत मान के नाम पर बहुत बुरी बड़ी मोहर लग सकती है, जो कि खुद चाह रहे हैं कि पिछले चुनाव से कि उनका नाम आ जाए, लेकिन क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा कि हम कल ऐलान करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम इंतजार करते हैं, ऐसा तो नहीं किसी और का नाम आ जाए। देखिए, ये ही सबसे बड़ा सस्पेंस जो अभी तक बना हुआ है, क्योंकि पंजाब के अंदर सबसे बड़ा, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि एक चेहरा होगा और बहुत बड़ा नाम होगा, और क्या ये लगाए जा रहे थे कि शायद राज्यपाल जो है वो आ सकते हैं, किसान संगठनों से बातचीत भी चल रही थी, लेकिन किसान संगठनों ने साथ आने से मना किया। उसके बाद फिर क्वेश्चन चिन्ह लग गया कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार अब कौन होगा, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन होगा, उसके बाद फिर मुझे लगता है इस पर तो सस्पेंस लग रहा होगा कि आखिरकार हमें भी इंतजार करना पड़ेगा किसका नाम सामने आता है। हमारे साथ बने रहिए। पंजाब से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से फिरोजपुर के उम्मीदवार आशु बागड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, बिल्कुल चुनाव से पहले एक झटका लगा है कि फिरोजपुर के उम्मीदवार ने इस्तीफा दे दिया है। पुनीत, क्यों दे दिया और क्या वजह रही? देखिए, इनकी तरफ से जो ये कैप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने जो अपनी जो बात कही, उन्होंने ये कहा है कि मैं पार्टी के अंदर प्रेशर के अंदर काम नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दिया है। हालांकि इसमें खास बात यह है कि जो आशु बांगड़ है वो बकायदा उनको टिकट भी मिल चुका था, वो लगातार वहां पर चुनावी ताल भी ठोक रहे थे, लेकिन बावजूद इसके आज उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो प्रेशर के अंदर काम नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब क्योंकि अभी इनकी तरफ से खुद का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, जैसे ही इनके पूरे सफाई जो है वो सामने आएगी कि क्या वजह रही, क्यों इस्तीफा दिया गया, क्या इनके आरोप हैं, उसके बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना है कि अभी फिलहाल इन्होंने आप नजर बनाए रखें, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में हर राज्य में कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, और इस तरह की जो खबरें होती है वो कहीं ना कहीं बताती है कि आखिरकार चुनाव के अंदर खिचड़ी क्या पकड़ रही है और आखिरकार ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।